मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर इकरामुल्ला खान है। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी हूँ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। मैंने अपनी क्वालिफिकेशन यूनाइटेड किंगडम से की है। मैंने MRCP डर्मेटोलॉजी और FRCP डर्मेटोलॉजी यूनाइटेड किंगडम से की है। मेरी ट्रेनिंग वहाँ पे बर्मिंघम स्किन हॉस्पिटल में हुई है। मैं 1986 से लेकर 1996 तक वहाँ पे था और वहाँ पे तमाम हमारी जो ट्रेनिंग होती है अंडर द सुपरविजन ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस वो होती है। वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग एक्रेडिटेशन होती है। वहाँ पे उस ज़माने में लेज़र नए इंट्रोड्यूस हुए थे तो बर्मिंघम स्किन हॉस्पिटल जो है वो पूरी यूरोप ने उसको सिलेक्ट किया था एज अ ट्रेनिंग सेंटर। तो मेरी खुशकिस्मती थी कि उस वक्त मैं उसी हॉस्पिटल में था तो मेरी ट्रेनिंग वहाँ पे आगाज ही लेज़र पे शुरू हुई अलॉन्ग विद डिफरेंट फील्ड्स ऑफ डर्मेटोलॉजी। तो उस ज़माने में तो लेज़र बड़े जो थे बड़े इनिशियल स्टेजेस में थे। अभी तो बहुत अच्छे और नए लेज़र आ चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बेसिक वहाँ पे जो इंसान की फाउंडेशन होती है वहाँ से मेरी बनी। फिर मैं पाकिस्तान आया 1996 में, PIMS ज्वाइन की और अपना की ये सेटअप खोला। तो पहला लेज़र क्लिनिक पाकिस्तान में मैंने खोला और मुझे शर्फ हासिल है कि मैं पायनियर हूँ लेज़र टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने का पाकिस्तान में। और जैसे कि मैंने आपको ब्रीफ एक इंटरव्यू बताऊँगी सही इस क्लिनिक के बारे में, मुख्तलिफ मशीनों के बारे में, ताकि आपको रफली अंदाज़ा हो जाए कि किस क्वालिटी का काम हम इस क्लिनिक में करते हैं। और ये मैं बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि दुनिया में मतलब जो हमारा काम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का काम है, बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी दो कदम हम आगे हैं। जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे मेरे पास मौजूद है अंडर वन रूफ, ये आई डोंट थिंक सो कि किसी दुनिया में किसी भी स्किन क्लिनिक में इतने इस किस्म की मशीनें, इस नोयत की मशीनें, इतने हाई नंबर मशीनें और ऐसे बैकअप यूनिट्स दुनिया में किसी और क्लिनिक में मौजूद नहीं होंगी। तो मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ। बेसिकली मैसेज मेरा ये होता है कि बेसिकली जो आप काम करते हो आप पैशन से करो। जो चीज़ करते हो जब तक आपका उसका पैशन ना हो ना तो इंसान कुछ भी नहीं सीख सकता लाइफ में। ये पैशन ऑफ वर्क बचपन से मेरे पास था। मतलब मुझे जो चीज़ भी मैं करता था, अगर पढ़ाई करता था तो बड़े पैशन से करता था, बड़ा थॉरली करता था। काम भी करता हूँ तो बड़े पैशन से करता हूँ, थकता नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए नहीं कि मैं बहुत कोई बॉडी बिल्डर हूँ और इस किस्म का, लेकिन बस दिमाग नहीं थकता, काम का पैशन है और काम में लगा रहता हूँ। और ये चीज़ मैंने अपने वाले साहब से सीखी है माशाल्लाह। वो अपने फील्ड में पाकिस्तान में बहुत एक नुमाया शख्सियत थे और इंजीनियर थे। उन्होंने भी अमेरिका से सारी अपनी पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन की थी। तो इंजीनियर फतेहउल्लाह खान कंडापुर मुल्क मायनाज इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर और इरीगेशन इंजीनियर, बहुत प्रोजेक्ट बनाए। तो ये पैशन मैंने उनसे सीखा। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक आपका पैशन ना हो काम में तो बेसिकली आप आगे नहीं बढ़ते। और दूसरा एक एस्थेटिक सेंस होती है। ये जो हमारा फील्ड है इट्स जस्ट लाइक एन आर्ट, कि आप एक आर्ट परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है ना। मैं आपको पेंट भी दे देता हूँ, ब्रश भी देता हूँ, आपको कह दूँगा पेंटिंग बनाओ। तो जब तक आप में वो एक इनहेरेंट आर्ट मौजूद ना हो आप बेसिकली एक अच्छा पेंटर नहीं बन सकते, जब तक आपके दिल में वो पैशन ना हो पेंटिंग का, ठीक है ना। तो यही चीज़ अप्लाई करती है हर एक फील्ड में और स्पेशली हमारे इस फील्ड में, डर्मेटोलॉजी फील्ड में, जिसमें आर्ट वर्क मौजूद है, एस्थेटिक सेंस मौजूद है। लोगों का एस्थेटिक सेंस बहुत मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, लेकिन इंसान को उनका एस्थेटिक सेंस भी होना चाहिए और साथ पैशन भी हो और आप एक इनबोर्न आर्टिस्ट हो, तो तभी आप इस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं।